इस बीच आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर इसके बाद आडवाणी को बधाई भी दी। आडवाणी को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण मिल चुका है। राम मंदिर के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। देश के उप मुख्य प्रधानमंत्री रह चुके आडवाणी की बात करें तो आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से सांसद रहे। 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के कराची में आडवाणी का जन्म हुआ था। 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और माँ का नाम ज्ञानी देवी है। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। आडवाणी ने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। अटल सरकार में वो उप प्रधानमंत्री रहे। 2002 से 2004 के बीच वाजपेयी सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वो गृह मंत्री रह चुके हैं।